नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसे ही आफताब और श्रद्धा का केस आया, उसके अगले ही दिन अभिषेक और शिल्पा का केस आ गया है। सोशल मीडिया पर एक नई आग लगी हुई है। सब लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आफताब के बारे में बात कही गई कि वो एक मुसलमान है, वो एक हत्यारा है, उसने अपनी सीख को अदा किया है और एक हिंदू लड़की की हत्या करके उसने लव जिहाद किया है, ठीक उसी प्रकार से अभिषेक का कोई नाम नहीं ले रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस प्रकार से राइट विंगर से कहते हैं कि जितने भी न्यूज चैनल है, एक मुस्लिम हत्यारे का नाम क्यों नहीं लिखते हैं। स्वाति मालीवाल के ऊपर भी यही आरोप लगा कि जब आफताब ने हत्या कर दी तो वहां पर सिर्फ लड़का लड़का क्यों लिखा जा रहा है, वहां पर आफताब या फिर मुसलमान नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि वो क्योंकि पूना वाला है, इसलिए वो शहजाद का रिश्तेदार है और वो एक पारसी है, ना कि मुसलमान है। हालांकि जब फैक्ट चेक किया गया तो बाद में पता लगा कि आफताब स्वयं लिख रहा है कि वो एक मुसलमान है और उसने इस बात को कई बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताया भी है। हालांकि इसके बाद में आम आदमी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी, लेकिन शहजाद पूनावाला ने उन लोगों के ऊपर केस कर दिया। इसके अभी भी लव जिहाद का होने का जो एंगल है उस पर जांच चल रही है। लेकिन इसी दौरान निर्मल कौर, जो कि झारखंड की पूर्व डीजीपी रही हैं, उनका एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू को आपने ध्यान से सुनना चाहिए। ये एक समाज के द्वारा गोदी मीडिया कहे जाने वाले न्यूज चैनल का इंटरव्यू नहीं है, बल्कि उनके सबसे मनपसंद RND TV का इंटरव्यू है। प्लीज इसको ध्यान से पहले सुन लीजिए। समझ में आ रहा है, देयर इज नाउ अ वेरी ग्रोइंग कल्चर इन आवर कंट्री कि मुस्लिम बॉयज आर ट्राइंग टू एंट्रैप हिंदू गर्ल्स, और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फंड आ रहे हैं विदेशों से। अब उनको मोटरसाइकिल देंगे, बहुत अच्छे पैसे देंगे, 50,000 से 1,00,000 रुपए महीना, मेनी ऑफ देम इवन यू नो इस तरह से कि अगर फंस भी जाते हैं, लड़की भगाने में सफल हो गए, कहीं क्रिमिनल केस हो गए, कहीं कोई पुलिस आ गई, तो लीगल सपोर्ट भी उनको पीछे से देते हैं। तो इस तरह के कई केसेस आ रहे हैं, तो इन अ वे दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय देयर सबकल्चर। सबकल्चर में उस चीज का की स्वीकार्यता बढ़ी है, और जहां आप औरत को सिवाय चैटल के कुछ समझे ना, अगर ऐसे सबकल्चर में आप विश्वास करते हैं, ऐसे सबकल्चर से आप आते हैं, तो किसी लड़की की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है आपके लिए, वो एक वस्तु है, उपभोग की वस्तु है, एक आपने उसका उपभोग किया और मन किया तो मार डाला, क्योंकि आपको यानी कि यहां से हमें पता लगता है कि एक पुलिस अधिकारी भी इन सब चीजों से अवेयर है, लेकिन हमारा कोठा अभी तक भी इन सब बातों से अवेयर नहीं है। अब बात करते हैं कि जब ये मामला रिवर्स बताया जा रहा है तो रिवर्स है क्या नहीं। वहां पर श्रद्धा मारी गई थी और यहां पर एक शिल्पा मारी गई है, यानी कि दोनों के दोनों केस में एक हिंदू लड़की ही मारी जा रही है। वहां पर मारने वाला आफताब था और यहां पर मारने वाला अभिषेक पाटीदार है। अभिषेक पाटीदार अपनी इस कहानी को बताते हुए बताता है कि वो और उसका एक पार्टनर एक कंपनी चलाया करते थे और उस कंपनी में ये हमारी एक सहयोगी थी, ये हम दोनों लड़कों के साथ में अफेयर में थी, ये मेरे पार्टनर से कई लाख रुपए अभी तक हड़ चुकी थी, डकार चुकी थी, अभी भी 10-12 लाख रुपए की मांग कर रही थी। मेरे पार्टनर ने कहा कि इसकी हत्या कर दी जाए, मैंने वैसा ही किया और करने के बाद में मैंने ये वीडियो बनाया, लेकिन मुझे अकेले को टारगेट किया जा रहा है। भाई, अकेले को टारगेट क्यों नहीं किया जाएगा, पापी व्यक्ति। देखिए, पापी कोई भी हो, हत्या किसी की भी और करने वाला कोई भी हो, जिसने भी की है, चाहे वो आफताब हो चाहे अभिषेक हो, उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि यह दर्शाता है, दिखाता है कि महिलाओं के, लड़कियों के प्रति इनका क्या रवैया है। यदि उसने ठगी की है तो उसके खिलाफ जाना चाहिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए, आपने एविडेंस और प्रूफ देने चाहिए और उसके बाद में उसको जेल हो, इस प्रकार से लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन हत्या नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दोनों मामलों में कंपैरिजन करने वाले लोगों के लिए जवाब देना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि वो लोग इस चीज को लेकर के भी अब एक गंदा खेल रच चुके हैं। जहां एक तरफ आफताब की स्टोरी एकदम अलग है, आफताब जिस समय पर श्रद्धा की हत्या करता है उसके बाद में उसके 35 टुकड़े करता है और 35 टुकड़े करने के बाद उसको फ्रिज में सजा करके रखता है। यही नहीं, उसी फ्रिज में अपना खाना भी मंगवाता है, उसको भी रखता है, और यही नहीं, जिस समय पर वो एक और अन्य लड़की को फंसा लेता है, उसको अपने रूम पर बुलाता है, उसमें से सामान को निकाल करके और जितने भी पीसेस थे उनको निकाल के कबड़ में बंद करता है, उसमें खाना रखता है, वो लड़की स्वयं आती है, फ्रिज से खाना निकालती है, खुद खाती है। ये लड़का उस लड़की के, यानी कि आफताब जो है, उस नई लड़की के साथ में उसी कमरे के अंदर सहवास करता है और उस लड़की को वहां से भेज देता है। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहां पर सारी चीजें छिपाई गई
और अभी भी ये व्यक्ति मस्त जेल में सो रहा है और उसको इस किए हुए पर कुछ भी पछतावा नहीं है। दूसरी तरफ हम अभिषेक की कहानी को देखते हैं, जिस समय पर वो हत्या करता है उसी समय पर कहता है कि बेवफाई नहीं करने का। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया को आंसर करना चाह रहा हूं कि अगर आप ये मामले को रिवर्स बता रहे हैं तो ये मामला रिवर्स नहीं है। आफताब और अभिषेक को इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों ही कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हैं और इन लोगों को यदि फांसी नहीं हुई तो आगे इसी प्रकार से ये मामले खींचते चले जाएंगे और लड़कियां इसी प्रकार से मारी जाती रहेंगी। अब अभिषेक की हम बात कर रहे थे कि उसने ये बात कही, बाहर निकल करके वो एक और वीडियो बनाता है जिसमें वो कन्फेस करता है कि मैंने उसकी हत्या की है, और हत्या करने के बाद वो वहां से भागता है और बताता है कि मुझे अकेले को फंसाया जा रहा है, मेरा दोस्त जिसने कहा था कि इसकी हत्या करनी है। जिस समय पर वो वीडियो यानी कि जो उसका पहला वीडियो आता है उसमें स्पष्ट पता लगता है कि दोनों के दोनों इससे पहले सहवास स्थिति में रहे होंगे, क्योंकि लड़की उस समय पर निर्वस्त्र पड़ी हुई है, अर्थात वो उस अवस्था में आ चुकी होगी शायद, और उसके बाद में उसके हाथ और गले की नसें काट दी गई हैं। कमरे से एक पूरी की पूरी खाली शराब की बोतल और कुछ आधी बोतल भी मिली है, अर्थात दोनों के दोनों उस समय पर काफी उमंग में रहे होंगे और अचानक से इस व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला किया, उसके बाद में वीडियो बनाया, अपलोड किया और भाग गया। बहुत सारे लोग इसको बता रहे हैं कि जिहादी के द्वारा बनाई गई वीडियो है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं कन्फेस किया है कि उसका नाम अभिषेक पाटीदार है। एक समाचार पत्र के अनुसार यह बताया जा रहा है कि लड़की का जो मारे जाने वाला एंगल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस व्यक्ति ने इस लड़की को अपने यहां पर बुलाया, बाद में उस लड़की को पता लगता है कि यहां पर देह व्यापार चलने वाला है, और इस देह व्यापार में घसीटने वाले व्यक्ति का नाम सलमान बताया जा रहा है। इस अखबार की कटिंग के साथ हम ये पुष्टि नहीं करते कि मामला सत्य है अथवा असत्य, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि होटल के अंदर जो आईडीज दी गई थी यानी कि जो पहचान पत्र दिए गए थे वो नकली थे, अर्थात अभी भी लड़के और लड़की के नाम कुछ और भी हो सकते हैं, अर्थात इसमें शिनाख्त होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम डीजीपी पूर्व डीजीपी झारखंड यानी कि निर्मल कौर की बात को सुने तो हमें वहां से पता लगता है कि दूसरी तरफ जो आफताब वाला केस है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, अर्थात अभी तक भी जितने लोगों के द्वारा इस तरीके के पाप किए गए हैं उनको इनके मजहबी संस्थाओं की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। यही नहीं, इनकी मजहबी संस्थान आतंकवादियों तलक को सपोर्ट करते उनके केसेस लड़ती हैं। लाल किले पर हमला करने वाले व्यक्ति के लिए अब तक केस कौन लड़ रहा है? वही संस्थाएं हैं जो आतंकवादियों को पनाह देती हैं और उनके लिए लड़ने के लिए पैसा जकात के नाम पर इकट्ठा करती हैं। पिछले दिनों कोर्ट ने कहा था कि इसके मृत्यु दंड की सजा को हम कम नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन इस बात को सोच करके अफसोस होता है कि ऐसे लोगों के लिए भी केसेस लड़े जा सकते हैं, और उनके लिए लड़ने वाले वो लोग हैं जो अपने आप को शांतिप्रिय मजहब बताते हैं। एक तरफ अभिषेक है जिसने की सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है, भाग रहा है लेकिन पकड़ा जाएगा और सबके सामने उसका फेस है। दूसरी तरफ रही है श्रद्धा, जिसके अभी तक भी 35 में से केवल 10 टुकड़े ही शरीर के बताए जा रहे हैं कि मिले हैं। शरीर के क्या ही टुकड़े मिले होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हड्डियां ही मिली होंगी। अभी तक भी काफी सारे टुकड़े अभी पुलिस की जो पकड़ है, जो उसकी पहुंच है, उससे बाहर है, यानी कि वो छिन्न भिन्न कर भी दिए गए होंगे मांसाहारी जानवरों के द्वारा। ऐसी दोनों अवस्थितियों में ना तो कोई रिवर्स लव जिहाद है, ना ही यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम एंगल है, और ना ही यहां पर किसी ने किसी के मजहब से चिढ़ करके किसी की हत्या की है, बल्कि ये एक ओल्ड राइवलरी कही जा सकती है। हत्या हत्या है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, हत्यारा हत्यारा है और उसको फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन इन दोनों चीजों में समानताएं दिखा करके समाज के अंदर विभेद पैदा करने वाले लोगों को थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी आफताब के केस में उसके पीछे की चेन के ऊपर शिनाख्त चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, लव जिहाद के एंगल पर भी अलग से टीम गठित कर जांच हो रही है। लेकिन अभिषेक का जो केस है वो एकदम ओपन एंड शट है, वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुका है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली ऐसी अफवाहों से बचें और अपने विवेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें।
हमेशा एक हिंदू ही लड़की क्यों मारी जाती है, हमेशा वही लड़की इन लोगों के हत्थे क्यों चढ़ती है जो कहती है कि मेरा वाला ऐसा नहीं, चाहे वो अब्दुल हो चाहे अभिषेक हो, वही लड़कियां हत्थे क्यों चढ़ती है जिनका संबंध परिवार से टूट जाता है और जो कहती है कि अब आप अपना संभालो मैं अपना संभाल रही हूं। जो भी एक फेमिनिस्ट बनने की कोशिश कर रही है, वो जो आगे बढ़ती है, जिसके परिवार से संबंध टूट चुके हैं, जो परिवार वालों को नकार करके त्याग करके आगे बढ़ चुकी है, ऐसी लड़कियों के साथ में इस प्रकार की बातें क्यों होती हैं? अपवाद रूप में कहीं ना कहीं निकिता तोमर जैसी बहनें बिना किसी बात के इन जिहादियों के द्वारा गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। अब तो इनका ट्रेंड भी थोड़ा सा और ज्यादा अपग्रेड हो चुका है कि वो अब सूटकेस में नहीं सीधे फ्रिज में फेंकते हैं। परिवार वालों को, लड़कियों को स्वयं इस बात को समझना पड़ेगा, उनके दोस्तों को, उनके भाई बंधुओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को परिवार का समय दे पा रहे हैं अथवा नहीं, वो हमसे डिटैच हो तो नहीं रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया के जाल में, जंजाल में इतने फंस गए हैं कि हमसे लगातार दूर होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर चर्चा अवश्य करें अपने घरों के अंदर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।